गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों? स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एंड व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक फीचर्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वी हैव आल्सो लर्न्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन विच इज़ द यू कैन से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट विच अकरिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ टूडे इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस chapter, that is, or you can say this topic, sexual reproduction. Today in this lecture we are going to learn about the significance of the sexual reproduction, and after that we will learn about the advantages of the sexual reproduction over the asexual reproduction. तो आज हमारे ये दो छोटे छोटे टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी. सबसे पहला तो बच्चों यही है कि वेरिएशंस कॉज करती है, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस वेरिएशन के रहते हैं. पहला सिग्निफिकेंस वेरिएशंस, कि वेरिएशन कॉज करती है ड्यू टू द यू कैन से रीशफलिंग ऑफ द क्रोमोजोम due to reshuffling of chromosomes. reshuffling का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि जब gamete formation होता है, ठीक है ना, तब भी हम देखते हैं कि जो chromosomes हैं वो different gametes में जाते हैं, that means separation होती है, तो उस दौरान chances रहते हैं, ठीक है ना. और दोबारा से जब gamete fuse करते हैं उस टाइम में जो कंबाइन होते हैं क्रोमोजोम्स वहाँ पर वेरिएशन आने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए उसको बोला ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ द क्रोमोजोम्स एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर, कि जो क्रॉसिंग ओवर है कि जब क्रोमोजोम्स अपना जेनेटिक मटेरियल में जो क्रोमोजोम अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना. क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशंस, ठीक है बच्चों, दिन जो वेरिएशन काज करते हैं इनके कारण वेरिएशन यहां पर आती है. एंड एज यू नो दीज वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल फॉर द रिकॉग्निशन और यू कैन से इंडिविजुअलिटी और यू कैन से फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना. दीज वेरिएशंस आर असेंशियल फॉर किसके लिए, इंडिविजुअलिटी के लिए. हम कहते हैं यूनिकनेस है, इंडिविजुअलिटी है, फॉर इंडिविजुअलिटी. For competitiveness, ठीक है बच्चों, and increase the survival, increase the survival. और हम जो जिसके अंदर variation होगी तो उन individual का जो survival है that is also being increased. This is about the you can say, तो ये जो variations हैं they are due to the reshuffling of the chromosome during you can say sexual reproduction. Next आता है better adaptability. Second, कि हम ये देखते हैं बच्चों environment is ever changing, कि environment में बहुत सारे changes हम देखते हैं और इन एनवायरनमेंट को कोप अप करना इंडिविजुअल को आना चाहिए. अगर कोई इंडिविजुअल या कोई स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को बियर नहीं कर सकता, इनको अडेप्ट नहीं कर सकता, ही हैज़ टू डाई, ठीक है ना. तो इसका कारण क्या होगा कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन इंक्रीज होगी तो उसके अंदर अडेप्टिबिलिटी भी
आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम यही यही लिखेंगे, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी कब आती है, टू ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, इज हेल्पफुल, क्या होगी वो, फायदेमंद होगी, इज हेल्पफुल टू द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म, टू ऑर्गेनिज्म इन बेटर अडेप्टेबिलिटी, किसके खिलाफ आएगी अडेप्टेबिलिटी, टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट, टू द चेंजेस इन एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग और एनवायरमेंट में हमेशा चेंजेस आते हैं, जिनके अंदर वेरिएशंस होंगी दे कैन बेटर अडेप्ट, वो ज़्यादा अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फिर हमारे पास विगर एंड वाइटलिटी, तीसरा पॉइंट विगर एंड वाइटलिटी। विगर का मतलब होता है बच्चों फुलावट बोलते हैं, जो हमारी एक विगर है कि हमारे पास जो बॉडी का एक पर्टिकुलर साइज है, ठीक है ना, वो मेंटेन रहता है ड्यू टू दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं विगर, मेंटेन विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेंटेन विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्लफनेस जिसको बोलते हैं, मोटापा या एक साइज जो गेन करता है इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं विगर एंड वाइटलिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है हार्मफुल ट्रेट्स, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हार्मफुल ट्रेट्स होती हैं, एंड ड्यू टू दिस सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन दिस हार्मफुल ट्रेट्स कैन बी एलिमिनेटेड, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा हमारे पास हार्मफुल ट्रेट्स, कि हमारे लिए अच्छी नहीं है कुछ ट्रेट्स, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो दीज कैन बी रिमूव्ड, ठीक है ना, बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी दैट दीज हार्मफुल ट्रेट्स आर यू कैन से आफ्टर कैप्ट सपोज्ड, बिकॉज इनको हम कह सकते सप्रेस हो सकती है, ठीक है ना, हार्मफुल ट्रेट्स आर हार्मफुल ट्रेट्स आर कैप्ट सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हार्मफुल ट्रेट्स होंगी वो अपने आप को करेक्टर को दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सप्रेस्ड रह सकती है, इसका मतलब जब सप्रेस रहेंगी तो वो अपना फिनोटाइप नहीं दिखाएंगी, जब फिनोटाइप नहीं दिखाएंगी इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होता है, बिकॉज ऑफ द रिसफलिंग ऑफ द जीन्स सप्रेस्ड ड्यू टू रिशफलिंग ऑफ द जीन्स, कि जीन्स की क्या होती है, रिशफलिंग होती है, और जब जीन रिशफल कर गए दैट अकर ड्यूरिंग द गैमिट फॉर्मेशन, दैट अकर्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, जो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान होती है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो डेलेटेरियस जीन है या जो हार्मफुल जीन्स हैं, ठीक है ना, वो रिसफलिंग के दौरान छूट जाते हैं और वो गैमिट में नहीं जाते, जिससे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल ट्रेट्स विल अकर्स, ठीक है ना, दिस विल यू कैन से एलिमिनेट, हैंस हार्मफुल ट्रेट्स कैन बी एलिमिनेटेड, और इस तरह से जो हार्मफुल ट्रेट्स होंगे उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास फिफ्थ सिग्निफिकेंस,
नियर यू कैन से यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि सारी पॉपुलेशन में एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जीन्स क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन में आगे से आगे आगे से आगे, ठीक है ना, ट्रैवल करते हैं, पॉपुलेशन में जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एक ही तरह का फिनोटाइप देखने को मिलता है, जिसे वो कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, नियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन, नियर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें देखिए जरा कि जैसे मैंने अभी बताया ड्यू टू फ्लो ऑफ द जीन्स, कि हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर जीन्स का फ्लो हो रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ जीन्स, जीन्स का फ्लो हो रहा है पॉपुलेशन में अमंगस्ट इंडिविजुअल, अमंगस्ट इंडिविजुअल, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीन्स का फ्लो देखा जा रहा है इंडिविजुअल के बीच में ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड यू कैन से द यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेंटेन्ड, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है ना, एंड हैंस द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटेन, दैट इज रिजेंबलेंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल विद द वन अनदर, कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से रिजेंबल करेगा उस पॉपुलेशन का, रिजेंबलेंस दैट इज रिजेंबलेंस ऑफ इंडिविजुअल मीन्स एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से रिजेंबलेंस ऑफ ऑल कर लो ऑल इंडिविजुअल्स विद वन अनदर इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास इवोल्यूशन, लास्ट सिग्निफिकेंस है हमारे पास इवोल्यूशन, कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन आएंगी, मीन्स हमारे पास नए रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, बिकॉज गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, एक मेल है दूसरा फीमेल है, फिर दोनों के अंदर क्रॉसिंग ओवर होएगी डिफरेंट, फिर दोनों के अंदर हम देखते हैं कि डीएनए कॉपिंग होएगी, ठीक है ना, दोनों के अंदर इनएक्यूरेसी हो सकती है और वो मिल के एक नया इंडिविजुअल बना रहे, इसका मतलब क्या होगा कि अब रिकम्बिनेंट बना हमारे पास, और रिकम्बिनेंट आपको पता है कि उसके अंदर वेरिएशन होगी और उसका सर्वाइवल भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट काज यू कैन से इम्पोर्टेंट, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू फॉर्म्स, कि नई फॉर्म्स बन सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन ऑफ, इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू फॉर्म्स, ठीक है बच्चों, तो दीज आर द यू कैन से डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल
और रिप्रोडक्शन। कि हमें मानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी एडवांटेज ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमिट हो रहा है दो पेरेंट से, एक ए पेरेंट है एक बी पेरेंट है, वहां से गैमिट आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड दीज गैमिट्स कैरी डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए, कि एक दूसरी फैमिली का है एक दूसरी फैमिली का, एंड दीज टू विल फ्यूज टुगेदर। अब हमारे पास जो नया इंडिविजुअल बनेगा इट इज हैविंग यू कैन से न्यू करेक्टर्स, डिस्टिंक्ट करेक्टर्स, और दिस विल बी यू कैन से न्यू इंडिविजुअल इज विद न्यू करेक्टर्स एंड इट विल यू कैन से फॉर्म, यू कैन से रिकम्बिनेंट हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो गैमिट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज क्या है, बिकॉज इट इन्वॉल्व, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, ठीक है ना, कमिंग फ्रॉम मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स कमिंग फ्रॉम, किससे आ रहे हैं, टू कमिंग फ्रॉम फीमेल, यू कैन से दिस फ्यूजन ऑफ गैमिट्स कमिंग फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पेरेंट्स, दो डिफरेंट पेरेंट्स से डिस्टिंक्ट हैं, दैट इज वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल, ठीक है बच्चों। एक तो ये बात है कि दो रहा है, सिंस फ्यूजिंग गैमिट्स कम फ्रॉम द टू डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, सिंस फ्यूजिंग गैमिट्स कमिंग फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट एंड सेक्सुअली डिस्टिंक्ट और यू कैन से सेक्सुअली डिफरेंट एंड सेक्सुअली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बच्चों। दोनों अलग अलग उससे आ रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, डिस्टिंक्ट सेक्सेस हैं, द ऑफस्प्रिंग बियर्स डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स, द ऑफस्प्रिंग बियर डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास करेक्टर्स की डाइवर्सिटी होगी, क्योंकि हमारे पास जो फ्यूजिंग गैमिट आ रहे हैं टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, ठीक है ना, जो सेक्सुअली अलग अलग हैं, एक मेल है दूसरा फीमेल है और इंडिविजुअल अलग अलग है। इसका मतलब जो द गैमिट है दे कैरी डिफरेंट काइंड ऑफ द जीनोम, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, अब ये तो हो गया एक पॉइंट, फिर हम ये देखते हैं कि मियोसिस होती है ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन प्रोवाइड्स
provides opportunity opportunity for इसके लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू कॉम्बिनेशंस नया कॉम्बिनेशन बनेगा. क्यों? क्योंकि जब सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोजोम्स तो डिफरेंट क्रोमोजोम्स डिफरेंट गैमेट में गए और दोनों में जाएंगे, मेल में भी जाएंगे और फीमेल में भी जाएंगे, और जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की. कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स नए नए बनेंगे जो वेरिएशन का कारण बनते हैं. ठीक है ना. इट प्लेज ए यू कैन से प्रोमिनेंट रोल इन द यू कैन से ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है इस तरह से. ठीक है बच्चों. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से प्रोमिनेंट रोल. इंपॉर्टेंट कहो या यू कैन से इंपॉर्टेंट कहो, एक ही चीज होती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल नई स्पीसीज बनाने में करता है एंड लीड टू द वेरिएशन रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन एंड लीड टू वेरिएशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन के लिए जरूरी होती है. ठीक है ना. और दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो मियोसिस है इट हेल्प टू मेंटेन डिप्लोइडी इन ऑर्गेनिज्म. इट आल्सो मेंटेन डिप्लॉयडी इन ऑर्गेनिज्म. डिप्लॉयडी भी मेंटेन रहती है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस प्रोसेस. क्यों? क्योंकि गैमेट्स में जो क्रोमोजोम जाएंगे वो हैप्लॉयड जाएंगे और जब फ्यूजन होगा तो फिर दोबारा से ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड बन जाएगा. एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयडी मेंटेन रहती है. एंड वन मोर थिंग वी विल डिस्कस हियर कि इन वट वे द वेरिएशन विच आर अकरिंग इन द पेरेंट्स एंड दे आर यू कैन से ट्रांसफरिंग इन टू देयर यंग वंस. अब देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक पेरेंट है. ठीक है ना. इसका जो क्रोमोजोम नंबर है मैं ये कह देता हूँ कि ये 46 है. ठीक है ना. कितना है? 46. अब इस इंडिविजुअल में क्या हो रही है कि मियोसिस हुआ. क्या हुआ? मियोसिस हुआ. और मियोसिस होकर क्या बनेगा? गैमेट बनेगा. और गैमेट क्या बन गया हमारे पास? एन बन गया. दिस इज द गैमेट. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गैमेट बन गया. तो ये क्या हो गया हमारे पास? पेरेंट हो गया. यहाँ पे हम पेरेंट्स लेंगे. ठीक है ना. इसी तरह हमारे पास सपोज एक मेल हो गया तो दूसरा फीमेल पेरेंट होगा. तो मैं ये दूसरा पेरेंट ले देता हूँ यहाँ पे. इसका भी जो क्रोमोजोम नंबर है वो 2N होगा, इक्वल टू 46. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम नंबर होगा यहाँ पर कितना होगा? हाफ हो गया. मियोसिस क्या करती है? हाफ करती है. तो क्रोमोजोम नंबर यहाँ पे 23 हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23. मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ. n यहाँ पे क्या हो गया? 23. ठीक है ना. तो इसी तरह यहाँ पर इस इंडिविजुअल के अंदर भी क्या होगा कि यहाँ पर भी मियोसिस होगी इसमें. एंड मियोसिस रिजल्ट्स इन द क्रोमोजोम नंबर विल बिकम हाफ. तो यहाँ पर भी क्या होगा? n इज इक्वल टू 23. इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है. ठीक है ना. अब यहाँ पर क्या होगा कि इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा. क्या होगा? फ्यूजन. भी लगकर जब फ्यूजन होगा मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा. ये फ्यूजन हुआ
तो यहां पर क्या होगा, अब ये बन जाएगा दोबारा से 2n, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम यहां पर फिर बन गए। ये क्या बन गया हमारे पास, न्यू ऑफस्प्रिंग, एक नवा इंडिविजुअल आया। अब ये जो यहां पर फ्यूजन से बना, तो इसका मतलब एक नया ऑफस्प्रिंग ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा कि इसमें फर्दर ये फिर बड़ा होगा ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना, इसमें फिर दोबारा से मियोसिस होगी, ठीक है ना, और मियोसिस होगी तो यहाँ फिर ये सिंगल एन इज इक्वल टू 23 ही बनेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेल है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल क्या है, मेल। एक दूसरा ही हम इधर बनाते हैं कि हमारे पास एक पेयर इधर है, इनका भी जो क्रोमोजोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 46 है, इसमें भी क्या होगी, यहाँ पर मियोसिस हुआ तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम कितना आया, n इज इक्वल टू 23 बन गया, ठीक है ना, सपोज ये मेल है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास दूसरा इंडिविजुअल है यहाँ पे, ये भी 2n इज इक्वल टू कितना है, क्रोमोजोम नंबर 46 है, यहाँ पर भी क्या होगी, इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस हुआ तो क्रोमोजोम नंबर कितना बन गया, n इज इक्वल टू यहाँ भी 23 बन जाएगा। फिर इनमें क्या होगा, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने से फिर यहाँ पर एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, और ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा तो 2n बनेगा, क्योंकि एक n ये है एक n ये है, तो क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा दोबारा, 46 हो गया, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है फीमेल इंडिविजुअल है, ठीक है ना, इसके अंदर फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर मियोसिस हुआ, और मियोसिस होगा तो फिर इसमें गैमेट बनेंगे, गैमेट वही बनेंगे इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास ये दो अलग फैमिलीज हैं, उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को फ्यूज करें तो तब भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 2n होगा इज इक्वल टू 46, तो ये हमारे पास एक न्यू इंडिविजुअल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बनाने का और समझाने का क्या तरीका है कि हम ये देख रहे हैं कि हम जब यहाँ पे ले रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, जब फर्स्ट जनरेशन ने रिप्रोडक्शन किया तो हमारे पास ये सेकंड जनरेशन आई, दिस इज सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। और फिर जब सेकंड जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया तो हमारे पास कौन सी आई, थर्ड जनरेशन। तो आप देखिए, जब फर्स्ट जनरेशन ने रिप्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, तो यहां पर हैप्लोइड गैमेट्स बने थे, और हैप्लोइड गैमेट फ्यूज किए तो फिर सेकंड जनरेशन में क्या आई, 46 क्रोमोसोम आए, ठीक है ना। इधर भी ऐसे ही हुआ था, फर्स्ट जनरेशन ने मियोसिस हुआ, यहां पर जो गैमेट्स बने, एन इज इक्वल टू 20.5 हो गया क्रोमोजोम्स, फिर फ्यूज हुए तो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन फिर दोबारा से डिप्लॉयड आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सारे क्या हैं, ये डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। और यहाँ पर ये क्या हो गए, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल 2n हुआ है, इसके पास दो तरह के, इसके पास एक तो आया ये इधर से जो सेट आ रहा है, इसका मतलब कि ये मेल है तो ये हमने फीमेल बना दिया। इसका मतलब क्या हो, ये मैटरनल, मैटरनल सेट ऑफ क्रोमोजोम आ रहे हैं, ठीक है ना, और इधर से क्या आ रहे हैं, पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम, कि एक सेट फादर से आ रहा है, तो इसका मतलब बन गया पैटर्नल सेट ऑफ क्रोमोजोम। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर भी एक सेट ऑफ क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम हमारे मदर से आए हैं, 23 क्रोमोजोम हमारे फादर से आए हैं। इसलिए बच्चों हम देखते हैं कि हम अपने पेरेंट जैसे तो हैं,
लेकिन उनसे फिर भी डिफरेंट है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए ऐसा हो रहा है. एंड सिमिलर इन द सेकंड जनरेशन यू कैन सी हियर 46 क्रोमोसोम 46 में डिप्लॉयड है, यहां पर भी डिप्लॉयड हो गया ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म यहां डिप्लॉयड हो गया, ठीक है ना, यहां भी डिप्लॉयड है. लेकिन जैसे मियोसिस हुआ तो यहां जो गैमिट्स बने, क्या बने, ये गैमिट्स बने, तो ये क्या हो गए, ये भी हैप्लोइड है, और यहां पर जो गैमिट्स बनेंगे ये भी हैप्लोइड है, ठीक है ना. और हैप्लोइड है तभी जाके फिर दोबारा से जो इंडिविजुअल बनेगा ये फिर डिप्लोइड हो गया यहां पर. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मियोसिस है इट मेंटेन्स द डिप्लोइडी इन ऑर्गेनिज्म. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां से देख सकते हैं कि बच्चों कि जब यहां से मियोसिस हो रही है और यहां पर जब गैमिट बनता है, यहां से लेके यहां तक में डीएनए कॉपी होगा और वो गैमिट्स में जाएगा, तो यहां से भी कॉपी होके इसमें जाएगा. इसका मतलब क्या होगा कि ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन तो यहां पर वेरिएशन होने के चांस है, और जब ये वेरिएशन इन गैमिट्स में जाएगी, मीन्स इधर भी गैमिट्स में वेरिएशन जा रही है, इधर भी गैमिट्स में वेरिएशन जा रही है, और इसका मतलब पैटर्नल और मैटर्नल वेरिएशन आके ई मीन्स ये ट्रांसफर हो जाएगी इसमें न्यू जनरेशन में. इसका मतलब क्योंकि दोनों की जो वेरिएशन है दे ट्रांसफर्ड इन टू द न्यू इंडिविजुअल. ये जो वेरिएशन मदर से गैमिट में गई है और फादर से गैमिट में गई है, वो वेरिएशन इस इंडिविजुअल में आ जाएगी. इसका मतलब ये वेरिएंट होगा. क्या होगा, ये वेरिएंट होगा, मीन्स क्योंकि इसके पास वेरिएशन है. मीन्स यहां पर हम सीधी सीधी बात देख रहे हैं कि द वेरिएशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. और बच्चों एक चीज और याद रखना कि जो वेरिएशन यहां पर इस ऑफस्प्रिंग के पास आई है कि ये अपनी लाइफ टाइम में अचीव करेगा कि इसके अंदर मियोसिस होगी तो तब फिर वेरिएशन होगी, और इसके बाद जो पैटर्नल वेरिएशन है वो भी होंगी, प्लस अपनी जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी. इसका मतलब क्या होगा कि जो वेरिएशन यहां पर है वो यहां पर पहुंच जाती है. इसलिए हम देखते हैं कि जो स्पीसीज हैं या जो ऑर्गेनिज्म है उनका सर्वाइवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से हम लास्ट में एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं, और वो लाइन क्या होगी, लाइन है बच्चों द वेरिएशन वेरिएशन जनरेटेड ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, द वेरिएशन अकर्स ड्यू टू, पर क्या होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जब डीएनए कॉपिंग हो रही है उस दौरान जो वेरिएशन होती हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग विच अकर्स ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो वेरिएशंस होती हैं, मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कहा जा रही है, मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली जनरेशन में जा रही है. दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस अकर्स इसका मतलब होगा कि एक्यूमुलेशन होता है कि जो वेरिएशन मेरे पास हैं, ठीक है, वो मेरे ऑफस्प्रिंग में मेरे बच्चों में जाएगी, ठीक है ना, मेरी प्लस मेरे बच्चे की उसके बच्चों में जाएगी. इसका मतलब क्या होगा कि जो वेरिएशंस हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे ट्रांसमिट होती हैं. इसका मतलब जो वेरिएशंस हैं वो हमें गिफ्ट में मिलती हैं, और अपनी लाइफ के दौरान जो हम अचीव करते हैं वो गिफ्ट में हम आगे दे देते हैं, ठीक है बच्चों. अकर्स और यू कैन से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इन वेरिएशंस का एक्युमुलेशन होता है, एंड दे आर ट्रांसफर्ड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ, विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन,
जिसके कारण क्या होगा कि आगे नया कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है, ठीक, यहाँ पर एक नया रिकम्बिनेंट बना, फिर इसने रिप्रोड्यूस किया आगे, फिर यहाँ पर इसके पास एक नया रिकम्बिनेंट बना। इसका मतलब न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियंट विल फॉर्म, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियंट फॉर्म, एक नया वेरियंट बनेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज अबाउट द, यू कैन से, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे बच्चों। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट अकर्स इन प्लांट्स। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।